हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे रीड एंड लीड यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटीबीपी में कुछ न्यू वैकेंसी आई हैं, जिसके बारे में दोस्तों हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आईटीबीपी में 496 प्लस पोस्टों पर जो है वैकेंसी आई हैं। दोस्तों, उस पोस्टों का क्या नाम है और क्या आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है, एज लिमिट क्या है, वही सब दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊँगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि इसका जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर सकते हैं और जो इसका अप्लाई करने का लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसकी जो है लास्ट डेट क्या है, किस तरह से दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हैं, किन किन पोस्टों पर यह वैकेंसी आई है। दोस्तों, जब आप अप्लाई लिंक पर क्लिक करेंगे या डायरेक्ट गूगल पर जाकर आप जो है आईटीबीपी की ऑफिशियल साइट खोल सकते हैं। उसको खोलने के बाद दोस्तों उसमें आप जो है आपको अपना ईमेल और पासवर्ड डालना पड़ेगा। उसके जब आप लॉगिन करेंगे उसके बाद तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यह वैकेंसी दोस्तों आज आई है और इसमें दोस्तों आप जो है कल से यानी कि 2 तारीख से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 4 पोस्टें हैं, इसमें अलग अलग पोस्टें आप देख सकते हैं और चारों में दोस्तों जो है इसकी जो कल से स्टार्ट है अप्लाई करने का डेट जो है कल से है, 2/4/2019 से दोस्तों इसमें अप्लाई कर सकें। यहाँ तक दोस्तों आप 4 पोस्टें हैं इसमें और इसकी जो लास्ट डेट है दोस्तों आप देख सकते हैं 1/5/2019 इसकी लास्ट डेट है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया हुआ है, बहुत सब मैं आपको बता दूं। दोस्तों आप देख सकते हैं पोस्ट का नाम तो डिप्टी कमांडेंट और असिस्टेंट कमांडेंट की यह पोस्टें हैं दोस्तों आप देख सकते हैं, और बाकी जानकारी दोस्तों मैं आपको जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं यह जो वैकेंसी आई हैं 10 घंटे ही पहले आई हैं, यानी कि इन्होंने मॉर्निंग में ही यह या थोड़ा सुबह जल्दी जब मैंने चेक नहीं किया, रात मैंने चेक किया था उस टाइम यह वैकेंसी नहीं आई थी, इन्होंने सुबह ही यह जो है नोटिफिकेशन डाला है। आप देख सकते हैं 10 घंटे ही इन सिर्फ वैकेंसियों को आए हुए हैं, अभी 10 घंटे ही पहले यह वैकेंसी आई हैं। आप देख सकते हैं 10 घंटा 35 मिनट हुए हैं इसको आए हुए। अब दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि इसमें जो है आपकी जो है क्वालिफिकेशन एज लिमिट क्या क्या मांगी गई है। चलिए दोस्तों, आप जब इस पर इस तरह से क्लिक करेंगे, आप जो देख सकते हैं 2/2019 तो लिखा हुआ है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें जो है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों आपको कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको क्या करना है कि सिंपल जो है डाउनलोड पर ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है डाउनलोड हो जाएगा और उसको दोस्तों आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं स्क्रीन पर यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड हो गया है जिसको मैंने ओपन किया है। आप देख सकते हैं कि आईटीबीपी की ऑफिशियल साइट से जो नोटिफिकेशन डाउनलोड किया है इसमें क्या क्या जो है सब कुछ जानकारी क्या क्या दिया हुआ है। आप देख सकते हैं दोस्तों इसकी जो लास्ट डेट है आप देख सकते हैं क्लोज ऑन 1/5/2019 इसकी लास्ट डेट है और इसको दोस्तों आप आईटीबीपी की ऑफिशियल साइट पर जो है लॉगिन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं वहाँ से। आप देखते हैं दोस्तों इसमें वैकेंसी कितनी है। दोस्तों आप देख सकते हैं सेकंड इन कमांड की जो पोस्ट हैं दोस्तों टोटल जो पोस्ट हैं 4 पोस्टें हैं, डिप्टी कमांडेंट की दोस्तों 175 पोस्टें हैं और असिस्टेंट कमांडेंट की दोस्तों 317 पोस्टें हैं। कुल मिलाकर दोस्तों यह जो पोस्टें हो रही हैं 496 पोस्टें हैं और यहाँ पर इन्होंने दिया है दोस्तों यह जो पोस्टें हैं कम या बढ़ती भी हो सकती हैं, यानी घट या बढ़ भी सकती हैं। दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों यह जो पोस्टें हैं बड़ी बड़ी पोस्टें हैं इसमें जो इसलिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो भी ज़्यादा मांगी गई है। आप देख सकते हैं कि इसमें जो ग्रेजुएट इन मेडिसिन MBBS मांगा गया है। आपके पास यदि मेडिकल लाइन से डिग्री है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से दोस्तों आपका जो है MBBS मांगा गया है इसमें और दोस्तों आप देख सकते हैं सभी जानकारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर दोस्तों आप सभी जानकारी पढ़ सकते हैं। एज लिमिट बात करते हैं दोस्तों, इसमें जो मांगा गया है 20 से 40 साल तक दोस्तों इसमें मांगा गया है एज लिमिट। अब दोस्तों मेथड आपका क्या होगा सिलेक्शन का, सिर्फ आपका जो है रिटर्न एग्ज़ाम के लिए इंटरव्यू वगैरह और आपका फिर मेडिकल, इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब दोस्तों अभी कोई आपका कोई डाउट है तो कमेंट कर देना, कमेंट का जवाब आपको मिल जाएगा। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, और ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहां से आपको सभी जानकारी आप बिल्कुल सही तरीके से पढ़ लेना, आपको वहां से जानकारी मिल जाएगी। और लास्ट डेट दोस्तों मैंने आपको बता दिया और जो इसकी ऑनलाइन डेट है वो कल से है, यानी कि 2/4/2019 से इसकी जो है अप्लाई डेट है दोस्तों और लास्ट डेट इसकी 1/5/2019 इसकी लास्ट डेट है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और लगातार अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।